नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर रेलवे में पैरामेडिकल के रिक्त पदों को सुविधा के आधार पर भरने के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई उसके बारे में। तो इसकी जो PDF है आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल रुलानिया क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बात की जाए तो स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं जिसमें पर मंथ पेमेंट की बात की जाए तो 44,900 और इसके अलावा जो दे बते हैं वो आपको मिलेंगे। एज है वो 20 से 38 वर्ष की होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता GNM या फिर BSc नर्सिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 34 पोस्टें हैं और ये वोकल इंटरव्यू के आधार पर वैकेंसी है। जो इंटरव्यू होगा वो 3 और 4 अगस्त 2019 को होगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड की जो भर्ती करवा की है इसके दिशा निर्देशों के अनुसार जो प्रथम वरीयता वो रेलवे नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाएगी। अगर वो कर्मचारी नहीं मिलती हैं तो जो सामान्य है या फिर जो फ्रेशनर कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वोकल इंटरव्यू के आधार पर होगी और इसके अलावा जो उपरोक्त पदों की जो संख्या वो घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। आयु सीमा में छूट की बात की जाए तो जो SC ST कैंडिडेट उनको 5 वर्ष की और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। आयु की जो गणना वो 1/7/2019 से की जाएगी। कोई भी विवाद होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र लखनऊ रहेगा। वोकन इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 3/8/2019 व 4/8/2019 को मंडल कार्यालय उत्तर रेलवे हजरतगंज लखनऊ, इसके पिन कोड है, में उपस्थित होकर 9 बजे से 11 बजे के मध्य अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। 11 बजे के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपको किसी प्रकार का TDA दे नहीं होगा। और जो इंटरव्यू का पीरियड रहने वाला 31/3/2020 तक रहेगा। अगर पहले कोई इनको स्थायी कर्मचारी मिल जाता है तो आपकी सुविधा जो है वो पीरियड ख़त्म कर दिया जाएगा। और चयनित उम्मीदवारों को भविष्य में सुविधा के आधार पर बढ़ाने या फिर नियमित करने का दावा नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। अब इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या लेके जाना पड़ेगा। सभी शैक्षणिक आरक्षित श्रेणी यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक या फिर सेनानिवृत्त रेलवे कर्मचारी तो उसका प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेजों के साथ साथ एक एक आपको 100 प्रमाणित छाया प्रति भी उनकी लेके जानी है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है। 8 नवीनतम आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी। और अगर वोकल इंटरव्यू की तारीख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो नोटिस बोर्ड के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। ये आवेदन पत्र है, आप आवेदन पत्र ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये देख सकते हैं आप। उम्मीदवार का नाम हिंदी में, ये आपको उसी टाइम फिलअप करके उनको देनी होगी। कितनी आयु होती है, क्या ये पत्र व्यवहार का पता क्या है आपका, ये घोषणा करनी है आपको। और साथ में जो आप कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे आयु प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की तालिका, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको यहाँ प्रस्ताव लिखना और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करने हैं। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है लेकिन काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और भी इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।